अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अ कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी तज़ी। नंबर्स को फैक्टर्स में लिखने का जो प्रोसेस है उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर्स का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जैसे कि हमने ये भी पढ़ा उसमें कि नेचुरल नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स को हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स और टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी कंसेप्ट हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो तमाम नेचुरल नंबर्स को हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं 24 की। 24 इज़ अ नेचुरल नंबर, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं जी 1 पे, उसको डिवाइड 1 24 टाइम्स 24 होता है। 2 को हम 24 पे डिवाइड करें तो 1s are 2 और 4 अब नीचे आएगा तो 2 2s are 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 लिख लें, क्रॉस बेशक ना करें, 0 कर दें। ओके 3 8s are 24, रिमाइंडर 0, 4 6s are 24, रिमाइंडर 0। उसके बाद 6 6 4s are 24, इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इनके रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये इसके फैक्टर्स हैं। 8 3s are 24, रिमाइंडर 0। फिर 12 2 times 24, रिमाइंडर 0। 24 1 times 24, रिमाइंडर 0। सो हेयर वी हैव हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 24, 1 2 3 4 6 8 12 and 24। ये हमारे पास 8 फैक्टर्स आ गए 24 के, जिन्होंने इसका रिमाइंडर 0 किया। तो इसमें देखें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेचुरल नंबर की डाइस में भी हमने किया हुआ है, प्राइम नंबर्स का सेट भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जी, 2 है और 3 है। तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स 24 के लेना चाहते हैं तो हेयर वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 2 and 3। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो नंबर्स जिनको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको प्राइम फैक्टर्स बताया ना, उसमें कहते हैं कि अगर हम नंबर्स को एक्सप्रेस करें, फैक्टराइजेशन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में अगर हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट ले रहे हैं, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं फैक्टराइजेशन में, तो ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेते हैं उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं 42 को हम प्राइम फैक्टर्स में, उसके 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखें 42 पे पहला प्राइम नंबर कौन सा है। जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है तो उसके लिए ज़हन में रखिएगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 2 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले 42 पे हम 2 का टेबल लेके जाएंगे, ठीक है। इवन नंबर है तो उसका मतलब है 2 का टेबल जा सकता है, तो ये मैं 2 का टेबल लेके गई हूँ। 2 2s are 4, फिर ये 2 नीचे आएगा, 2 1s are 2, तो इट मीन्स 2 कितने 21 टाइम्स जो है वो 42 है, तो 221 टाइम्स मैंने लिख लिया। अब 21 के मजीद प्राइम फैक्टर्स कौन से बन सकते हैं। 2 का टेबल तो चला गया, अब 21 पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो अगला टेबल कौन सा है, 3 का। तो 3 का टेबल मैं 21 पे ले गई हूँ, 3 7s are 21 होता है। अब आप देखें तीनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पे सिर्फ अपना टेबल, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। तो सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है। तो देखें हमने 42 के सारे जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम नंबर्स में डाल दी, 2 3 7, ठीक है जी। तो ये प्राइम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 42 की इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। मूव फॉरवर्ड विद द मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, हियर वी डिस्कस 2 मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। दो मेथड कौन कौन से हैं जो हम देखेंगे। पहला है जी फैक्टरिटी मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। इन दो मेथड्स के जरिए हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे आज। बाय यूजिंग एग्जांपल वी यूज मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, बोथ मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। और 56 को हम प्राइम फैक्टर्स में डालेंगे बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। उसमें पहला फैक्टर है फैक्टर 3 मेथड, दूसरा फिर डिवीजन मेथड करेंगे। तो फैक्टर 3 मेथड में हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 56 है, 56 पे देखें पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 का टेबल जाएगा। तो 2 का टेबल हम लेके गए, 228 टाइम्स आपके पास क्या होता है, 56 होता है। तो ये तरीका है फैक्टर 3 का कि आपने इस तरीके से ट्री बनाना है, फिर 2 आपका 28 टाइम्स जा रहा है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का
सिंबल आएगा। अब ये टू एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 28 के हम फैक्टर्स लेंगे दो, कौन कौन से? अब टू का टेबल इस पर फिर जा सकता है, तो हम फिर टू ले गए। टू कितने टाइम्स जा रहा है? 14 टाइम्स, 2 ज़ार 2, 4 ज़ार 8, 14 टाइम्स जा रहा है 28। तो अब ये देखें, जो प्राइम नंबर्स हैं वो एज इट इज़ नीचे आएंगे, ठीक है। अब 14 जो है वो मज़ीद डिवाइड हो सकता है, उसको फिर हमने क्या किया, उसको हमने मज़ीद डिवाइड किया टू के टेबल पे, 2 7 ज़ार 14। तो ये अब देखें, अब सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स आ गए हैं, मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द ट्री फैक्टर्स ट्री मेथड से आ गई है, ठीक है जी। ये प्रकार है इसको करने का। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड के। तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है? पहले सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 का टेबल इस पे लेके जाएंगे। तो 2 मैंने 2 2 ज़ार 4, और फिर ये होता है 2 8 ज़ार 16। अब फिर 2 का टेबल इस पे जा सकता है, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। फिर 2 का टेबल जा सकता है 2 7 ज़ार 14, और फिर 7 का टेबल जाएगा 1 टाइम। तो अब आपकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। तो कितने आए हैं इसके फैक्टर्स? इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 56 के क्या आए हैं जी? 3 टाइम्स 2 है, और फिर 7 है। अब देखें, एक ही नंबर 3 दफ़ा आ रहे हैं। जब एक ही नंबर बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और जितनी दफ़ा वो नंबर आ रहा होता है उसको काउंट करते हैं। अब देखें, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3। जितनी दफ़ा आ रहा होता है वो नंबर, उसको 2 की पावर में लिख देंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, 2 के अलावा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी। बट हमने क्या करना है, ये अब एक नया कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि देखें, जो नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, उस नंबर को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, और जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है वो उसकी पावर में लिख देते हैं। तो इस तरह के जो मैथड है इसको इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, डैट इज़ इंडेक्स नोटेशन फॉर 2। इसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो 2 को हमने इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये आज एक नई बात अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कि 2 देखें 3 दफ़ा आ रहा था, तो एक ही नंबर जब बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, और जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है उसकी पावर में लिख दें। तो डैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। तो डैट इज़ आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर ट्री मैथड एंड डिवीजन मेथड, ठीक है जी। तो ये आपके पास 56 की दोनों मेथड से हमने फैक्टराइजेशन से की, फैक्टर ट्री मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, ठीक है। और फिर हमने उसमें एक और कंसेप्ट भी सीख लिया कि फैक्टराइजेशन में अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसको हम इंडेक्स नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।